मेरा युवा भारत यानी माय भारत, माय भारत नाम से एक नया प्लेटफॉर्म को स्वीकृति दी गई है। ये ग्रामीण और शहरी यानी देश के हर युवा को आपस में भी और सरकार के साथ कनेक्ट करने का भी वन स्टॉप सेंटर होगा, ताकि उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसर भी प्रदान किए जा सके। आईओसी के शासन के दौरान मैंने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा को सामने रखा है। मैंने ओलंपिक की सुप्रीम कमेटी को आश्वस्त किया कि भारत 2030 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में ओलंपिक्स के आयोजन के लिए तैयार है। हम बदलाव लाए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम बदलाव लाए चयन प्रक्रिया में, हमने उसे और पारदर्शी बनाया, हम बदलाव लाए खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने वाली योजनाओं में, हम बदलाव लाए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाली योजनाओं में, हम बदलाव लाए समाज की मानसिकता में। पुरानी सोच, पुरानी अप्रोच के कारण हमारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में जो रोड ब्लॉक्स थे, हमने उन्हें एक एक करके दूर हटाने का काम शुरू किया। सरकार ने टैलेंट की खोज से लेकर उनके हैंड होल्डिंग कर ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने का एक रोड मैप बनाया। इसका परिणाम हम आज पूरे देश में देख रहे हैं। साथियों, पहले की सरकारों में स्पोर्ट्स के बजट को लेकर भी संकोच का भाव रहता था। लोग सोचते थे कि खेल तो खेल ही है, और क्या है, इस पर खर्च क्यों करना। हमारी सरकार ने इस सोच को भी बदला। हमने स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाया। इस वर्ष का सेंट्रल स्पोर्ट्स बजट 9 वर्ष पहले की तुलना में 3 गुना अधिक है। या आयोजनाच्या अनुषंगान गोय राज्याची स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन अशी नवी ओळख निर्माण करता ही खाशेली गजाल आसा। नॅशनल गेम्स लुसोफोनिया, वर्ल्ड बीच व्हॉलीबॉल, आयर्नमॅन, वर्ल्ड टेबल टेनिस अशा तरेच्यो क्रीडा सर्तीच्या आयोजनाक लागून गोय राज्य आज वर्ल्डाच्या मॅपाचेर आसा। गोवा में हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापन करने के लिए स्पोर्ट और अलाइड डिसिप्लिन के उच्च शिक्षण देने वाला गोवा एक हब बनाने का प्रयास है। इसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी द्वारा स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्पोर्ट्स पर्सन, फिटनेस ट्रेनर, कोचिस, न्यूट्रिशियन, फिजियोथेरापिस्ट, डायटिशियन, टेक्नीशियन इसके बनाने का हेतु स्थानिक तथा देश के युवाओं के प्रति हम इनका ये आकार देने के लिए स्किल टैलेंट पोल देश के लिए और जग के लिए बना रहे हैं।